मरकजी बज़्मे हकचार यार की आवाज़। मोहम्मद से प्यार करते हैं तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाहे मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते हमें नुकसान है मौला। ये थे जनाब मरकजी बज़्मे हकचार यार के मरकजी सदर जनाब हजरत मौलाना आबिद कुरैशी साहब। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपसे मुखातिब थे। जो उलमाए किराम मजमे में हैं उनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। मौलाना सुफियान साहब दमथल से तशरीफ लाए हैं, वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। इस तरह भाई नफीस साहब एक हमारे एक बड़े जो है मुतहरक साथी हैं, इधर सात नशिस्तें लगी हुई हैं, इधर तशरीफ ले आए या स्टेज पे तशरीफ ले आए। इनके अलावा बाकी जितने भी उलमाए किराम हैं वो स्टेज की जीनत बने। अब इंशाल्लाह हमारे जो है मेहमान जो खसूसी मेहमान हैं वो शुरू हो चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि हम आज इस महफिल को ज़्यादा जो है वो तोल ना दें। ये जो तखीर हुई है थोड़ी बहुत, ये इसमें हमारा कसूर कम है, आपका ज़्यादा तो नहीं है लेकिन आपका भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे, मजमा ही नहीं था, प्रोग्राम शुरू कैसे करते, इसलिए थोड़ी तखीर जो हुई है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर किया जाए, ज़्यादा तखीर ना हो। अब मैं दावत खताब देता हूँ इलाके की एक जानी पहचानी बुजुर्ग शख्सियत मुजाहिद खत्म नबूवत जनाब हजरत मौलाना इफ्तखारुल्लाह शाकत साहब को कि तशरीफ लाएँ और अपने खूबसूरत और मखसूस अंदाज में आपसे मुखातब हो। और मैं हजरत के लिए कहता हूँ कि मुहम्मद पाक का नौकर किसे काने का काना नहीं, मुहम्मद पाक का नौकर किसे काने का काना नहीं। तराना गजवद के सुना खत्मे नबूवत दा, ये तू नौकर रे हक भी अदा कर नौकरी दा, ये मोमा ने ला नारा खत्मे नबूवत दा, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जनाब हजरत मौलाना इफ्तखारुल्लाह शाकिर साहब। न मैं तज़िकर न पीने की बात करते हैं, न मैं तज़िकर न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। मुर्तदिल है मुर्तदिल है जो कायल नहीं हयात नबी के, हम जिंदा दिल हैं जीने की बात करते हैं। अब मैं अपने एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत देने लगा हूँ। मेरी मुराद मरकजी बज़्मे हकचार यार के मरकजी ओहदेदार जनाब मोहतरम तारिक दलोच साहब के तशरीफ। ममाती जिस तरह हजूर की हयात के मुनकर हैं, इसी तरह हजूर की मेराज के भी मुनकर हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ हजूर के हयात को नहीं मानते, ये ऐसा गंदा फितना है कि ये हजूर के मेराज को भी नहीं मानते। मैं इसी हवाले से एक रुबाई आपकी खिदमत में पेश करके अपने अगले मेहमान को दावत देता हूँ। पंजाबी में शायर कहता है, सी मेराज इक राज मुहब्बतों का, सी मेराज इक राज मुहब्बतों का, नहीं सी हर एक की समझ विच आने वाला, सदया तालिब ते गया मतलूब, जिब्राईल से सद ले जाने वाला। लोकी कहते ने बगैर दरवाजिया तो कि वे गया सी अरशा से जान वाला, बल्कि मैं यूं कहता हूँ, ममाती कहते ने बगैर दरवाजिया तो कि वे गया सी अरशा से जान वाला, ममाती कहते ने बगैर दरवाजिया तो कि वे गया सी अरशा से जान वाला। हयाती कहते ने इत्थे अकल नहीं कोई दखल यारो, जाने जान वाला या ले जान वाला। अब मैं अपने बड़े ही मोहतरम मेहमान को दावत देने लगा हूँ, जिनकी पूरी जिंदगी नात के अंदर गुजरी। 35 साल के अरसा से वो नात पढ़ रहे हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज, बड़ी खूबसूरत आवाज, केपीटी के मरकजी बज़्मे हकचार यार के सदर हैं जनाब हजरत मौलाना ज़ीशान मुआविया साहब। मैं उनकी खिदमत में दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश फरमाए। नारों की भूमि में इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, मकाने सहाबा, जनाब हजरत मौलाना ज़ीशान मुआविया साहब। अस्सलामु अलैकुम।